हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट और स्वागत है आपका एक नए फ्रेश व्लॉग में। तो आज हम लोग जा रहे हैं राइड पे बहुत दिनों के बाद। लॉकडाउन की वजह से किधर जा नहीं पा रहे थे, 4 महीने हो गए। लास्ट राइड हुई थी महाबलेश्वर की, उसके बाद एक भी राइड नहीं हुई। सो आज फाइनली डिसाइड किया। वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई परमिशन नहीं दी है टू ट्रैवल, बट हम लोग सिटी से बाहर नहीं जा रहे, सो इट्स ओके। हम लोग जा रहे हैं मुळशी साइड। सोचा कि लॉन्ग राइड तो नहीं हो सकती, बट एक शॉर्ट राइड मार सकते हैं। सो वैसा प्लान हो गया आज, और 3-4 फ्रेंड्स हैं मेरे साथ और उनके भी फ्रेंड्स हैं। तो अभी मीटिंग पॉइंट पे जाके देखेंगे कौन कौन है और कौन कौन सी बाइक्स है। सो मुझे फ्यूल भी भरना है बाइक में, और सब लोग आने तक मैं पहले फ्यूल भर देता हूँ। मैं अभी पहुँचा हूँ बावधन वाले पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल तो अभी भर लिया है और फ्रेंड को कॉल भी किया था मैंने, पर अभी तक तो कोई आया नहीं है। तो चांदनी चौक में जाके मैं वेट करूँगा उनका, तो कॉल करूँगा बाकी लोगों को। आई होप जल्दी आ जाए, क्योंकि धूप होने से पहले अगर पहुँच गए उधर तो अच्छा होगा। और फाइनली सब लोग आ गए और हम लोग निकल चुके हैं मुळशी के लिए। तो आई होप वेदर भी साथ दे और मज़ा आए राइड पे। बहुत दिनों के बाद निकला है राइड के लिए, सो मज़ा तो आने ही वाला है। भले शॉर्ट राइड है आज की, पर मज़ा आ जाएगा। ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड है लोग। और मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे साथ आज सब राइडर्स नहीं है, एक फ्रेंड है, उसके दो भाई भी आए मेरे साथ आज। सो उन्होंने राइडिंग गियर कुछ नहीं पहना है। सो एनीवे शॉर्ट राइड है और सेफ राइड है थोड़ी, मतलब हाईवे पे वगैरह नहीं जाने वाले हम लोग, और उनका उतना तो ध्यान रखेंगे हम लोग कि कुछ प्रॉब्लम ना हो किसी के साथ। सो प्लीज़ डोंट जज। हम लोग जब भी राइड पे जाते हैं तो ऑलमोस्ट सब लोग राइडिंग गियर पहनते हैं, हेलमेट जैकेट सबके पास रहता है, कुछ नहीं तो नी गार्ड्स और एल्बो गार्ड्स तो रहते ही, अगर जैकेट नहीं पहना किसी ने तो। सो सेफ रहता है, इनका प्लान अचानक बना नहीं तो उनके लिए भी हम लोग कल के कल अरेंज कर देते। कल रात को प्लान बना था इन दोनों का आने का, सो उनके पास गियर नहीं है अभी, सो प्लीज़ डोंट जज। तो GoPro को माइक लगाने के बाद इतना काम आसान हो जाता है। जब भी मैं मोटो व्लॉग करता था तब एक सीन होता था मेरे साथ, जब भी मैं बाइक पे हूँ तो उसके रिकॉर्डिंग का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था कि पहले मैं वीडियो शूट कर लेता था और उसके बाद सब दिमाग में ही रहता था कि क्या बोलना है क्या करना है। पर जब भी पहले रिकॉर्ड कर लेता था मैं, और रिकॉर्ड करने के बाद घर जाके जब एडिट करता था मैं, तब एडिट करने के बाद मेरे को एक वॉइस ओवर देना पड़ता था ओनली वाइल आई एम ऑन बाइक। बाकी का जो फुटेज रहता था जिधर हम लोग बाइक पे नहीं रहते थे, सो वो वाला फुटेज के लिए डिफ़ॉल्ट ऑडियो रहता था। पर अभी इतना आसान हो गया है कि माइक की वजह से पहले से रिकॉर्ड हो जाता है। सो सिर्फ वीडियो के क्लिप्स लेके अरेंज करने पड़ता है और वीडियो एडिट करना पड़ता है, जो भी है कलर करेक्शन वगैरह जो भी है अपना, और स्पीड वगैरह, तो सिर्फ वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी सब हो गया आसान, और
मैंने मीडियम मोड नहीं लगाया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि GoPro Hero 8 के लिए मीडियम मोड ही लगता है, पर मीडियम मोड की ज़रूरत नहीं रहती है क्योंकि मैंने अडाप्टर लगाया और नॉर्मल कॉलर माइक लगाया। पर नॉर्मल कॉलर माइक में भी दो टाइप आते हैं, TRS और TRRS। उसमें से GoPro को सिर्फ TRS माइक चलता है GoPro अडाप्टर पे, सो यू नीड टू चेक दैट। और मैंने और एक चीज़ की है जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो भी बनाया था, इसका पहले एक वीडियो बनाया था, तो वो वाला वीडियो एक बार देख लीजिए। ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक डाल दूंगा मैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, दोनों जगह पे। एक बार वो वाला वीडियो भी देख लीजिए आप, उसके वजह से आपको मीडियम मोड नहीं लेना पड़ेगा और आपकी बैटरी भी एक्सपोज नहीं होगी। सो यू कैन यूज़ योर कैमरा इन रेंज टू और विथ माइक आप यूज़ कर सकते हो और आपका कैमरा डैमेज भी नहीं होगा। और एक मस्त स्पॉट मिल गया हम लोगों को, इधर बाइक वाइक के थोड़े से फोटोज निकालेंगे। सो हमको यहाँ पे एक अच्छा वाला स्पॉट मिल गया है जिधर हम लोग बाइक का फोटो शूट कर रहे हैं, नॉर्मल फोटो शूट कर रहे हैं, और इधर थोड़ी देर टाइम पास करेंगे और इसके बाद आगे जाएंगे। अभी बारिश भी आना चालू हो गया है तो लेट्स सी आगे क्या होता है। राइड पे तो बहुत मज़ा आ रहा है, सो एक बार व्यू देखिए। अभी क्या वेदर है, प्रॉपर वेदर है राइड का। सामने का व्यू देखो, फॉग है, प्रॉपर फॉग है, सामने बड़े बड़े पहाड़ है, थोड़ा भी नहीं दिख रहा। बहुत सही वेदर है, बारिश नहीं है, बारिश होके गई है, बट बारिश होके गई उसकी वजह से बहुत ठंडा हो गया अभी इधर। और राइड पे बहुत मज़ा आ रहा है। एक्चुअली मेरी बैटरी ठुस हो गई थी GoPro की, इसलिए मैं रुक गया था पीछे बैटरी चेंज करने के लिए, इसलिए बाकी सारे फ्रेंड्स आगे निकल गए। तो आई विल कैच अप विद देम और फिर मिलता हूँ। चालू नहीं होते, चालू होती है पर बंद पड़ी, धुंधा जा रहा है। दिस इज़ अमेजिंग, लाइक रियली अमेजिंग कि आज ये वेदर मिला हमको और ये राइड प्लान हुई। मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कोई फील आएगा कि इतना फॉग होगा, ऐसा वेदर होगा। मुझे लगा था कि एक बेसिक राइड होगी क्योंकि ज़्यादा ट्रैवलिंग अलाउड भी नहीं था, बट किसी ने रोका नहीं था और इसलिए हम लोग आगे आ गए। बहुत सही वेदर है, और मज़ा भी आ रहा है सबको। अभी हम लोग तो ढूंढ रहे हैं कोई ढाबा, नहीं तो कोई रेस्टोरेंट यहाँ पे मिल जाए जिधर थोड़ा सा खाना मिल जाए हम लोग को, क्योंकि सुबह 6 बजे निकले, सिर्फ कॉफ़ी पी थी सुबह सुबह और बाकी कुछ खाया भी नहीं था, और अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सो लेट्स सी आगे कुछ ढाबा वाबा मिल गया तो खाने के लिए रुकेंगे, और तब तक के रोड एंजॉय करो, बहुत सही रोड है।
What a view, man. What a road. बहुत सही मज़ा आ रहा है. मतलब ऐसा लग भी नहीं रहा कि राइड ये ख़त्म हो, क्योंकि और ये रोड भी ख़त्म हो, क्योंकि इतना मज़ा आ रहा है. इतने दिनों के बाद राइड पे आए हम लोग और बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है. बहुत बहुत मज़ा आ रहा है राइड पे. मतलब आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइस कि आप एक बार ये सीज़न में ये वाले रोड पे आ जाओ जिसको राइडिंग का शौक़ है. और आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ बाइक पे आओ, आप कार में भी आ सकते हो, क्योंकि इतना सही वेदर है, इतना अच्छा है. सो इधर आते हुए हमको एक मस्त वाटरफॉल मिला, तो हम लोग इधर एक ऐसे ही गाड़ी लाइन में लगा के ऐसे फ़ोटो वगैरह निकाल रहे थे और ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे. बहुत ठंडा पानी था, मस्त मुंह वगैरह धो लिया क्योंकि बहुत गर्म हो रहा था. अभी धूप भी आ गई है. सो वी जस्ट फाउंड अ ढाबा हियर एट तामिनी घाट और हम लोग इधर अभी थोड़ी देर रुकेंगे, थोड़ा सा खाएंगे, क्योंकि सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया था. इधर पोहा और ऑमलेट मिल रहा है और मिसल मिल रही है. सो लेट्स सी, अभी इधर खाएंगे और इसके बाद शायद आगे जाएंगे. बट एक फ्रेंड को लेट हो रहा है इसलिए वो बोल रहा है कि अभी निकलते हैं इधर से डायरेक्टली. और वैसे भी तामिनी घाट के आगे जाके कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि उसके आगे कुछ है भी नहीं. सो लेट्स सी, खाना खाने के बाद मिलता हूँ. अभी हम लोग निकल गए घर जाने के लिए और रास्ते में ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं. जो आते टाइम था वही है, दूसरा कोई रूट नहीं है. सो अभी डायरेक्टली मिलते हैं घर जाके, नहीं तो मोस्टली जाने वाला है हम लोग शाकिर के इधर, मतलब बाइकर्स डेन, क्योंकि क्लासिक 350 में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है. मतलब बीच में हम लोग जब आ रहे थे इस साइड तब दो बार बंद हो गई थी गाड़ी ऑटोमेटिक, और चालू भी हो गई, पर क्या हुआ है वो देखने के लिए हम लोग शायद बाइकर्स डेन जाने वाला है. सो मिलते हैं उधर जाए, तब तक के लिए बाय. सो वी हैव रीच्ड बाइकर्स डेन और नॉन स्टॉप आ गए, किधर रुके भी नहीं थे. और अभी बाइक का थोड़ा काम है, मेरे बाइक का फॉग लैंप लूज हो गया और क्लासिक 350 के स्प्रॉकेट का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए वो भी काम करवाना है. तो आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं. शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग था. अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को. अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड को. तब तक बाय बाय.